हेलो गाइस, तो आइए आपको हमारे फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ही बहुत ही मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपका जो व्हाट्सअप का जो बैकग्राउंड होता है उसमें फ़ोटो लगाने का ऑप्शन नहीं होता है, तो गाइस इसी का बारे में मैं बताऊंगा कि आप उसमें अपने बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, या किसी का भी फ़ोटो या कोई भी चीज़ का फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, अब हम ओपन करते हैं अपने व्हाट्सअप को। तो जैसे ही हम अपने व्हाट्सअप को ओपन करेंगे तो गाइस आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको कोई एक व्हाट्सअप को ओपन करना है, यानी किसी दूसरे के, यानी आपके जो मोबाइल में है किसी दूसरे का ये आपको ओपन करना है व्हाट्सअप में। तो जैसे मैं इस का ओपन कर रहा हूँ, तो गाइस आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ बैकग्राउंड में देखिए कितना अच्छा ये है। आप ये बैकग्राउंड में देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड में क्लीन कर देता हूँ। देखिए यहाँ बैकग्राउंड क्लीन करने के बाद देखिए गाइस कितना अट्रैक्टिव हमारा बैकग्राउंड लग रहा है। तो गाइस इसी में आप अपना फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी किसी का भी फ़ोटो। तो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए हम ऊपर का तरह देख रहे हैं, यहाँ तीन डॉट का निशान दिखाई दे रहा है, यहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देख रहे हैं वॉलपेपर का। तो गाइस यहीं पर आपको सेलेक्ट करना है वॉलपेपर। तो जैसे वॉलपेपर सेलेक्ट करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर इनमें से यहाँ अगर आप सेलेक्ट कर लिए, ये ब्राइटनेस वाला है और ये डार्क यानी काला वाला ये होगा। और यहाँ पर आपको माई फ़ोटो यानी आपका जो फ़ोटो प्रोफाइल में है फ़ोटो, वहाँ से आप जाकर यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम बारी बारी करके तीनों में जाकर देखते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले ब्राइट में देखते हैं, ब्राइट में इस तरह का वॉलपेपर है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सेट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सेट वॉलपेपर का ऑप्शन मिल रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेट वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा वहाँ क्लिक करेंगे, तो गाइस अगर आप इसमें क्लिक करते हैं, इसमें अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो जिसका आप जो बैकग्राउंड जिस नंबर पर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं उसी में लगेगा। यानी अगर आप इसमें सेलेक्ट करके ओके में करते हैं तो आपका हर एक सबका इसमें यही फ़ोटो चला जाएगा। तो चलिए गाइस हम पहले इसी का करके देखते हैं, तो ओके में करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो गाइस ये देखिए कितना अट्रैक्टिव ये बैकग्राउंड लग रहा है देखने को। तो गाइस फिर से मैं दूसरी वाले करके दिखाता हूँ, यहीं पर फिर से क्लिक करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं अपना प्रोफाइल में चलते हैं। तो जैसे अपना प्रोफाइल में चलेंगे और यहाँ मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, मेरा ये फ़ोटो, ये मेरा फ़ोटो है गाइस, यहीं पर ऐसे क्लिक किए, देखिए ये मेरा फ़ोटो यहाँ आके ऐड हो गया। तो गाइस देखिए देखने में कितना अट्रैक्टिव लगता है। तो गाइस इस तरह से आप कोई भी इसमें अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।